Okay, so we now begin the last session of the day. May I request the speakers to please come on stage. Professor Jagdishwar Chaturvedi, Justice H. N. Nagmohan Das, and Dr. C. B. Joseph. The topic for this session is Gandhi, Democracy and Dissent. ಈಗ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿಷಯ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ. So our first speaker of the session is Professor Jagdishwar Chaturvedi. He is a former head of the Department of Hindi at the University of Calcutta. He taught for 28 years. An eminent scholar, he has written books on literary criticism, media and journalism, and women's writing. He has written almost 75 books that are published and widely accepted. His versatile writing is also spread in relevant issues of the socio-political field. He has a blog named Naya Zamana and a YouTube channel with the same name, on which his live lectures and debates may be heard. Professor Jagdishwar Chaturvedi ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು 28 ವರ್ಷಗಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ನಯಾ ಜಮಾನಾ ಎಂಬ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ವಜ್ಜನ್ ಸಭಾಂಗಲೆ ಮೇ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ದಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೋನೋಕ್ಕೆ ಮೇ ಹೃದಯ ಸೇ ಆಭಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಉನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಬುಲಾಯಾ. बेहतर ये होता कि मैं दोनों दिन यहाँ रहता और मैं सुन रहा. मुझे अचानक अपनी मजबूरी की वजह से बदलना पड़ा था, मुझे भी फ्लाइट पकड़ ली, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ. मैं दिन भर सुन रहा था बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही प्रोवोकेटिव, बहुत काम की चीज़ें आई बीच में. उसमें तीन लेक्चर मेरी मुझे बहुत अच्छे लगे, तुषार जी का, प्रशांत जी का, प्रसन्ना जी का. मेरी चिंता यह है जो मैं आपसे रखता हूँ वो कुछ नहीं. गांधी कहाँ मिलेंगे? किताब में नहीं, वो आश्रम में भी नहीं है. ये जो रीडिंग का तरीका हमने, अब मास्टर लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग हैं, तो अपने तरीके से अपने अनुकूल उद्धरण खोज लेते हैं. गांधी उद्धरण नहीं है. गांधी की सबसे सुंदर बात, सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगी है, मैं जब जेएनयू में पढ़ने गया तब मैंने गांधी को पढ़ा था, उसके बाद में छूट गया. जब मेरी जेएनयू से निकल आया तो छूट गया, और फिर कोरोना क्राइसिस में मैंने गांधी को पूरा पढ़ा. गांधी का मतलब यह है कि जो मैंने समझा है, मैं आपसे साझा कर रहा हूं, हो सकता है गलत हो. पहली बात तो यह है, जो वर्तमान स्थिति है उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं, जो डेमोक्रेसी हमने कंसीव की थी वो डेमोक्रेसी का मॉडल बदल चुका है. जनता की शिरकत की, जनता की सेवा के लिए जो डेमोक्रेसी बनाई गई थी, ये डेमोक्रेसी का मॉडल बदल चुका है. अब इसके निवेशक अलग लोग हैं. डेमोक्रेसी के निवेशक जनता नहीं है. सुनने में बात बहुत खराब लगती है. डेमोक्रेसी के निवेशक कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, और ये मॉडल पूरा का पूरा बोरो किया गया, ये पहले से आ चुका था.
दुर्घटना तेजी से घटी 2014 के बाद। अगर मुझे गांधी को देखना है और जानना है और समझना है तो पहली चीज जो गांधी से मैंने सीखी, यथार्थ को जानो। आप जितना अच्छा, अब देखिए दिन भर से बात हो रही थी, मैं कोई बहुत तकलीफ हो रही थी, हम रियलिटी को देखना ही नहीं चाहते, हम जाना ही नहीं चाहते रियलिटी के पास, गांधी के पास जाएंगे कहां से। मुझे नहीं मालूम कि कर्नाटक, मुझे यहां आके अच्छा लगा, मैं कन्नड़ जानता तो बहुत अच्छा होता, मैं बहुत सारी चीज समझ पाता और मैं इंटरेक्ट भी कर पाता। यथार्थ को जाने बिना गांधी को अर्जित नहीं किया जा सकता, मैं बहुत ही बेसिक बात कहना चाहता हूं। दूसरी चीज जो गांधी जी ने दी, क्योंकि मेरे पास मात्र 10-15 मिनट है, मैं उसी में सिर्फ अपनी बात नटशेल में रखूंगा। तो सर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकट की ओर ध्यान खींचा, वो संकट है और वो हर विचारधारा के साथ संकट है। आप कल्पना कीजिए, पूरा का पूरा सोशलिस्ट ब्लॉक कोलैप्स कर गया। कारण क्या है? जो आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उस पीड़ा से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, तरह तरह से गुजर रहे हैं। ये पूरी के पूरी ये ऐसा फेज शुरू हुआ है जिसमें कि आइडियाज और आइडिया और आइडियोलॉजी, ये तीनों से ही लोग एकदम दूर चले गए। अब लोगों को आइडियोलॉजिकल बात सुननी अच्छी नहीं लगती, वो गांधी की करिए चाहे वो आरएसएस की करिए या किसी भी करिए, वो कोई आइडियोलॉजिकल बात सुनना पसंद नहीं करते, वो किसी आइडिया में नहीं जीते, ये गलत फहमी है। डेमोक्रेसी जो हमारे पास थी, जो फलती फूलती दिखाई दे रही थी, वो इसलिए थी कि हमने डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट किया था, हमने सैक्रिफाइस की थी। आपकी एफडी खत्म हो चुकी है, नई एफडी आपने तैयार नहीं की, तो डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? लोकतंत्र निवेश पर आधारित है, और अब कॉर्पोरेट हाउसेस निवेश कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की नीतियां, शासक वर्ग की नीतियां अब उन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए तैयार की जा रही है। मेरी याद में नहीं है, मेरी याद में नहीं है कि पिछले 75 साल में कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो डेमोक्रेसी के नाम पर जिसमें 100 लोगों ने जान दे दी हो। हाँ, सिर्फ इधर के वर्षों में किसान आंदोलन के दौरान यह हुआ कि 750 लोग मर गए। लोकतंत्र बिना कुर्बानी के अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, जैसे हम लोग कहते हैं संप्रभुता। दूसरी चीज जो गांधी ने दी, जो कि मुझे अच्छी लगती है, जो कि क्राइसिस में है, वो यह है कि हमारी संप्रभुता संकट में है, राष्ट्र की प्रभुसत्ता संकट में है, और ये जो व्यक्ति है इसकी भी प्रभुसत्ता संकट में है। हम संप्रभुता के बारे में, डेमोक्रेसी में संप्रभुता सबसे मूल्यवान चीज है, और स्वतंत्रता जितनी मूल्यवान है उतनी ही मूल्यवान संप्रभुता भी है, लेकिन हम तो उसमें जाना ही नहीं चाहते, हम डिबेट का हिस्सा ही नहीं है हमारे। गांधी की खूबी ये थी, जो अनुपलब्ध यथार्थ था उसको उन्होंने उपलब्ध कराया। मैं गांधी को पाना चाहता हूं ना, सिर्फ एक लाइन, अनुपलब्ध यथार्थ को उपलब्ध करने की कोशिश करो, रास्ता खुलता दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि हम बंद गली में रहें, बंद मकान में रहें, किसी भी किस्म की चीज का खोज न करें और कोई हमें खोज के बता दे। और ट्रेजेडी यह है, तू भी गांधीवादी, मैं भी गांधीवादी, सब अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं बहुत साफ और दो टूक ढंग से कहना चाहता हूं कि पीठ ठोकने का नाम गांधी नहीं है। हम कन्विंस है कि ये भी गांधीवादी है और ये भी गांधी, फिर संकट कहां है? संकट है अनुपलब्ध यथार्थ को पाने में। दूसरी चीज जो कि मैं एक बहुत ही, क्योंकि तेजी से घट रही है, पता नहीं आप लोग मेरी, मेरा जो अब तक का जो पठन पाठन है मीडिया का, साइबर मीडिया का,
जिस दिन से ये आया मैं लिख रहा हूँ, मैं बहुत एक्टिवली लिखता हूँ, मतलब कोई प्रोफेसर नहीं लिखता, मतलब मेरी तरह कोई बेवकूफ नहीं है। आप जितना साइबर में जाएंगे गांधी उतना ही दुर्लभ होगा। आपको लगता है कि डिजिटल होने से ज्यादा हाँ पठनीय होगा, वो ज्यादा लोगों को पहुंच सकता है जल्दी, ये संभव है। साइबर कल्चर की साइबर पैराडाइम में दाखिल होने की, कंप्यूटर में के पैराडाइम में दाखिल होने की सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि वहां विचार की और व्यक्ति की और संप्रभुता की, इन तीनों की एकदम डेथ हो जाती है। आप कहीं भी रहिए, आप चीन में रहिए, आप रूस में रहिए, कहीं भी रहिए, कैसा भी संविधान बना लीजिए और कैसा भी नेता बिठा दीजिए, ये जो शिफ्ट है, गांधी कब पैदा हुए थे? प्रिंट रिवॉल्यूशन के दौर में, और हम बैठे हुए हैं इस कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के दौर में, और ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इसे हमारे अधिकतर लोग कंसीडर नहीं करते, सोचते नहीं। कंप्यूटर पैराडाइम में जो चीज आई है वो चीज वह है जो कि अदृश्य है। कितना सुंदर लग रहा है गांधी देखने में, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। गांधी इतने सुंदर नहीं थे, गांधी घबरा जाएंगे देख के कि मैं इतना सुंदर। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि एक इल्यूजन, एक विभ्रम हमारे इर्द गिर्द खड़ा हुआ है, और इस विभ्रम को तोड़ने के लिए रियल होना बेहद जरूरी है। हम रियल तो होना ही नहीं चाहते। आखिरी चीज ये कह के मैं बात खत्म करूंगा, गांधी क्यों दुर्लभ हुए, मैं जो तुषार जी ने कहा था मैं उसकी तरफ संकेत कर रहा हूं खाली बस। गांधी ने मनुष्य की अस्मिता को बहुत मूल्यवान माना। वो दलित, स्त्री, ये तमाम किस्म के जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जो इश्यूज जो इमर्ज किए 60 के बाद स्पेशली, और वो बढ़ते ही रहे। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, अस्मिता की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जितनी ज्यादा सघन रूप से बढ़ेगी गांधी हमारे हाथ से, या वह पॉलिटिक्स जो मनुष्य को केंद्र में रखे, वह साहित्य जो मनुष्य को केंद्र में रखे लिखा जाता, वो आपके हाथ से छूट जाएगा। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जिस जगह गई है, जहां खड़ी हुई है, वहां उसने मनुष्य की राजनीति को नुकसान किया और मनुष्य से जुड़े हुए प्रधान विचारों को नष्ट किया है। गांधी का और समाज का जो अलगाव पैदा हुआ उसका एक बड़ा कारण है ये। दिक्कत यह है कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी भी चाहते हैं और गांधी भी चाहते हैं, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। गांधी की खूबी थी मनुष्य केंद्र में था, सूत्र, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, ये कह के बात नहीं थी गांधी, कहीं भी नहीं है। और अंत में गांधी धर्म की बड़ी कठोर आलोचना है उनकी, तमाम उनके प्रवचन में, उनकी राइटिंग में, उनके पत्रों में, गांधी ने जो आधुनिक भारत का सपना विकसित किया वो धर्म की आलोचना करते हुए विकसित किया, अधार्मिक होके नहीं, धार्मिक साक्षरता के आधार पर विकसित किया। हम धर्म का तो विकास कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बना रहे हैं, धार्मिक, धर्म की शिक्षा, साक्षरता जिसे हम लोग कहते हैं, और धर्म का क्रिटिक, ये अगर आपके पास नहीं होगा तो आप गांधी को समझ ही नहीं सकते। गांधी प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन आलोचना नहीं कर रहे। आप किसी से मंदिर जाने वाले, मेरे पास दो मंदिर, मैं मंदिर की वजह से नहीं जा रहा हूं, मैं जल्दी जा रहा हूं बात के, मैं आपको बता रहा हूं, जन्माष्टमी है परसों, मुझे मालूम नहीं थी मैं टिकट कटवा चुका था और ये था कि मैं मथुरा में गालियां खाऊंगा मैं घर जाके अगर मैं यहां रह गया। गांधी की जो सबसे सुंदर बात मुझे लगी भारत के संदर्भ, भारत में कोई भी डायलॉग धर्म के बिना संभव नहीं है। मैं धर्म नहीं मानता लेकिन मेरे यहां तो मंदिर है, मेरे वो क्या है, मेरी सभ्यता का हिस्सा है,
लोग भगवान को मानते हैं, वो यहाँ की सभ्यता का हिस्सा है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों? अगर जिस दिन मैंने छोड़ दिया, ये फासिस्ट लोग मंदिर पर भी कब्जा करेंगे और धर्म पर भी कब्जा करेंगे। हमने तो यही किया, हमने मंदिरों के लिए खुला छोड़ दिया, इन नालायकों के लिए, धर्म को खुला छोड़ दिया इन नालायकों के लिए, और ये जाएं और उसको रौंदे। मानव सभ्यता के विकास में जो कुछ भी मूल्यवान पैदा हुआ है वह मेरी धरोहर है और मैं रक्षा करूंगा उसकी। इसलिए गांधी का किसी भी धर्म से बैर नहीं था, वो हमारे संरक्षण का हिस्सा थी, हम रहेंगे। हमने क्या किया कि हम पहले, ये जरा साइंटिफिक होते हैं तो हम पहला काम करते हैं, हम धर्म को नहीं मानते। अरे आपके न मानने से क्या होता है? क्यों कह रहे हैं आप? इसका परिणाम जानते हैं हम लोग? नहीं जानते। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें डेमोक्रेसी को अर्जित करना है तो डेमोक्रेसी को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। गांधी को परिभाषित करने के लिए परिभाषित है। गांधी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा है, गांधी का समाज से अलगाव क्यों पैदा हुआ है? इसलिए क्योंकि हमने लोकतंत्र को और आज के समाज को जो पिछले 75 साल में विकसित हुआ है, इस समाज को हमने परिभाषित नहीं किया है। हम किताबों से परिभाषित करते हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि गांधी मुझे कहां मिलेंगे? अनुपलब्ध यथार्थ को जब हम अर्जित करेंगे वहां मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर दैट वेरी थॉट प्रोवोकिंग टॉक। प्रोफेसर चतुर्वेदी हैज अ फ्लाइट सो ही विल बी लीविंग नाउ, सो आई रिक्वेस्ट श्री नंदराव, Secretary Gandhi Museum Madurai, has made notable contributions to the Indian legal system. As a judge at the High Court of Karnataka, he earned a reputation for his judicial acumen and dedication to justice. Beyond the bench, Justice Das has actively engaged in various social and legal reforms. A strong advocate for human rights, he has championed the cause of the underprivileged and marginalized. Notably, he initiated the Samvidhana Odu campaign, aimed at educating about the constitution, which has reached lakhs of students and general public across the state. Justice H.N. Nagmohan Das avaru matanaduttare, Bharatiya kanunu kshetradalli pramukha vyakti agiddu Karnataka uccha nyayalayadalli ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ಓದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Though I love to speak in my mother tongue, I know many of you have come from different parts of the country. Therefore, I switch over to father tongue. My learned panelist, Dr. Sevigi Bishop, Professor Chaturvedi, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I am privileged to stand before you on an occasion like this. To begin with, within 2 minutes, I will try to share one important thing because Tushar Gandhi is here. He is the great grandson of Gandhi, therefore he is Tushar Gandhi. But to me, there is another tag, Mohandas. It is also related to Gandhi. The question is how it came to be. He is a great grandson, therefore it came to be. In 1947, we got independence. On 30th of January 1948, Gandhi was assassinated. The Congress party then resolved
to carry the ashes of Gandhi to every district in the country and to conduct a program on that district and disperse those ashes in a important water. I may be a river, ocean, or a lake, or a well. The urn containing the ashes of Gandhi came to Kolar district in Karnataka way back in the year 1952 February. The local Congress leadership entrusted the task of organizing the program near KGM. Perhaps most of you have heard Kolar Goldfields. There is a village called Beth Mangal. There was a big tank, even now that is tanking. It was resolved to organize the program there and to immerse the ashes. It was entrusted to one freedom fighter by name Nagam. He went there, campaigned for 5 days, organized the program. On 12th February 1952, the program was going on. From the village of Nagappa, a bus conductor and driver came to the venue of the function and informed him that there is a message to him. The message from his village is that Nagappa got a son on the earth. The leaders in the function suggested to name Gandhi. Nagappa said, no, no, we can't do like that, because Nagappa's family tradition says the first son name shall commence with Na. Then a compromise was arrived at. Let your name, family name be there and Gandhi name. Naga is family name, Mohandas is Gandhi's name, Nag Mohandas is before. See, this is the impact of Gandhi in 1952. That impact is there today. And it will be there tomorrow and for the generation to come. Gandhi is not great-grandfather to Tushar, to the millions and millions of people in this country and the world. That is the point I make. Friends, a topic is given to us in this session to deal. Time is very short. There is no time for me to narrate the things. Therefore, I will adopt a telegraphic language. There will be no narration, only bullet points will be. Friends, when we turn over the pages of history, we will come across five important stages of human evolution. Primitive communism, commune system, primitive commune system. The second one was the slave system. The third one was feudal system. The fourth one was democratic system. The fifth one was the socialistic system. Today, 90% of the countries in the world are governed by the democratic system, including India. We got independence in 1947 by accepting the world's biggest written constitution. We became republic in 1950. In our constitution, we have abolished feudalism and we resolved to establish a parliamentary democracy in India. In these 75 years, we have built democratic institutions. We brought democratic reforms. And we gave to our people democratic rights. Parliament and Vidhan Sabha are the legislative democratic institutions. Central government, state government, district administration, taluka administration and gram panchayat are the executive institutions.
The Supreme Court, High Court, District Court and Taluka Court are the judicial institutions. These are the democratic institutions that we have built after India became republic, and we are all participating. 142 crore population of this country, either directly or indirectly, are participating on day-to-day basis in these institutions. We brought agricultural reforms, educational reforms, industrial reforms, administrative reforms, health reforms, cultural reforms, land reforms. In this way, we brought several reforms to improve the living conditions of people of this country. We gave democratic rights to the people, freedom of speech and expression, freedom to travel, freedom of residence, freedom of profession, freedom of occupation, freedom of religion, freedom of culture, and we are enjoying these fundamental rights for the 7 years. But today, the democracy in India is facing both problems and challenges. I don't want to go into the details. It is not just in India. You take wherever in the world, democratic political systems have developed cracks. Be it America, England, German, France, Australia, India, name any country. Everywhere there is a crack. In India, the present democratic political system is facing several challenges. Terrorism is one challenge. Communalism is another challenge. Corruption, criminalization, cultural degeneration. If you permit me, I can speak at least half an hour on each topic. But these are the challenges that the country is facing, political system is facing. In addition to that, we see that various other problems, democratic institutions are being weakened day by day. Be it parliament, be it Vidhan Sabha, you take any democratic issue, whether independent bodies like Election Commission, Reserve Bank, CBI, Enforcement Directorate, you name anything, their sovereignty is affected, they are weakened. It is not just democratic institutions. Rampant violation of human rights, not by a private people, but by state itself. Misinterpreting the basic features of the constitution like secularism, social justice, welfare state, pluralism, federalism. It is not just misinterpretation of the constitution. They are making some of the basic features of the constitution as irrelevant. We resolved when we adopted our constitution, stating that we have put an end to rule of king, but we accepted rule of law. But rule of law is being eroded day by day in every field. This is the type of challenges that the Indian democracy is facing. I need not tell much about the elections. There can be no democracy without elections. But elections are under the influence of money power, muscle power, caste power, and religion power. As I told you, this is the situation not only in India, but every democratic governance in the world. But one thing we have to note, that no one is speaking what is alternative to democracy. I have not heard.
There are big, big political astrologers in America, France, England and many other countries, including India. But nobody is speaking what is alternative to democracy. Nobody is speaking about alternative to democracy, and democracy is facing these problems and challenges. What is the way out? In my considered and humble opinion, Gandhi becomes very relevant here. I am not for a moment advocating that readily we have to accept whatever Gandhi has said. But a time has come where we have to debate, deliberate how far we can imbibe the Gandhian values to strengthen the present democratic system and overcome the ills, overcome the disadvantages of the democratic system. Way back in 1930s, Gandhi warned not only India but the entire world. Greater the institution, greater the abuse. Democracy is one of the biggest institutions today. But this is being greatly abused today. In a situation like this, is it not necessary that we have to debate on the Gandhian values and make use of those values in our democratic polity to strengthen it and to overcome the weaknesses. To mention few, say for example, non-violence. Non-violence, I can speak half an hour to you, but only one sentence I say. Violence-free society is not just non-violence. In the Gandhian conception of non-violence is justice for all, rights for all, equality for all. This is the thing that we have to debate, how we have to imbibe it. Similarly, Gandhian thought of Sarvodaya, the emancipation of all, the liberation of all. All of you have heard in the morning the Chief Minister saying that 80%, 85% of the wealth of the country is in the hands of 1% of the people of this country. This gap between rich and poor resulted in hunger, poverty, begging, unemployment, illiteracy, lack of health facility, shelter facility, and so many other things. Gandhi advocated trusteeship. We have to work and live is the basic principles of trusteeship. We have to work and earn, and we have to use what is minimum required for our living. What do you do with the rest of your earning? Give to those who do not have anything, those who are unable to make a living for a day. This is trusteeship. We have forgotten. Gandhi advocated Swaraj. Swaraj is not concentration of power in few hands. In one of my judgments, I have said, by quoting Gandhi, that it is the decentralization. A rule from Delhi is not the prerequisite of a democracy. Rule from every halli, every village is the prerequisite of a democracy. See, these are some of the things. We only debated, we only argued, we only fought for our rights. But you have ever thought of discharging our duty? That is the Gandhian way of living. Gandhian way of living means not just claiming rights. In addition to your rights, you owe a duty to discharge your duties. Rights and duties are inseparable according to the Gandhi. But for the last 75 years, we only debated about Gandhi's Mahatma Gandhi. Yesterday,
particularly our youngsters, has faced a lot of problems. We kept them out. Usually, Vishal Gandhi also mentioned this in the morning. We should reach the youth. This program is for you. Unfortunately, due to the heavy rush by the elder people, voluntarily they came. Never in the history of our Karnataka Gandhi Smarak this elder people has attended this program in full this manner. So this is a, this was unavoidable yesterday. And even the food problem also. ಹುಷಾರ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಈ ಗಾಂಧಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಿಸಿದ್ದ ಅವರನ್ನೇ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆದರೂ ನೀವಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ ಕಾರಣದ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ದಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಈವನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕವರೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್. ದೇ ಕವರ್ಡ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಲೈಟೆಡ್. They came all the way from different parts of our country on the request on the actually doings of the Sanjay Gandhi Smarak. They responded properly. I'm grateful to her arriving and also arriving in Sri Lanka. He's just entered the camera. We'll start, but in the beginning, I request Srimati Pratima B. Ora, Gandhi Ashram Ahmedabad. She wants to sing a song. I request her. मुझे भी अवसर मिला यहाँ करने का और बहुत अच्छा रहा कल का भी सेशन. तो सर्वधर्म प्रार्थना जो गांधी जी हर रोज शाम को और दुबे में करते थे, उसका एक पाठ है. यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर एक गीत है, मैत्री भावनु पवित्र जड. सो आई वॉन्ट टू सिंग दैट. मैत्री भावनु पवित्र जड़नु मुझ हैया मा गया करे, शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे. गुणति भरेला गुणी जन देखी हयू मारु नृत्य करे, ए संतो ना चरण कमल मा मुझ जीवन नु आज्ञ रहे. दीन क्रूर ने धर्म विहोना देखी दिल मा दर्द रहे, करुणा बीनी आँखो माथी अश्रु नो शुभ स्रोत्र वहे. मार्ग भूले ला जीवन पथिक ने मार्ग चींदवा उभो रहूं, करे उपेक्षा ए मार्गनी तो ए समता चित धरूं. वीर प्रभु नी धर्म भावना हये सौ मानव लावे, वैर जैर ना पाप तजीने मंगल गीतो ए गावे. प्रभु मंगल गीतो ए गावे. नमस्कार.